आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अफ्रीकी देश तंजानिया की तर्ज पर भीकन गांव की वलका पंचायत में जल संरक्षण का हो रहा है कार्य। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भीकन गांव जनपद में हुआ नवाचार। खरगोन जिले के भीकन गांव विकासखंड की ग्राम पंचायत वलका में जल संरक्षण के लिए अनूठी पहल की जा रही है। अफ्रीकी देश तंजानिया में जस्ट डिग इट फाउंडेशन द्वारा जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों से प्रेरित होकर वलका पंचायत में कार्य किया जा रहा है। भीकन गांव जनपद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी पूजा मालाकार सैनी ने बताया कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह द्वारा अफ्रीकी देश तंजानिया में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का एक वीडियो शेयर किया गया था और खरगोन जिले में भी ऐसे कार्य करवाने के निर्देश दिए गए थे। इस वीडियो से प्रेरणा लेकर खरगोन जिले में तंजानिया की तर्ज पर जल संरक्षण का कार्य करने वाली भीकन गांव जनपद खरगोन जिले की पहली जनपद और वलका पंचायत जिले की पहली पंचायत बन गई। तंजानिया में जल संरक्षण के लिए जस्ट डिग इट फाउंडेशन द्वारा वीरान और बंजर भूमि पर जल संरक्षण के लिए अर्धचंद्राकार आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं। इन गड्ढों में घास के बीच डाल दिए जाते हैं। वर्षा होने पर इन गड्ढों में पानी एकत्र हो जाता है और घास उग जाती है। यही घास जल संरक्षण में मदद करती है और वर्षा के पानी को रोकने में मदद करती है और पानी को व्यर्थ बहने नहीं देती। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वलका पंचायत में वीरान और बंजर भूमि पर तंजानिया की तर्ज पर मनरेगा से बड़ी संख्या में अर्धचंद्राकार गड्ढे बनाए जा रहे हैं। मनरेगा से किया जा रहा ये कार्य पूरी तरह मजदूरी पर आधारित है। इसमें किसी भी तरह की अन्य सामग्री नहीं ली जा रही। इन गड्ढों में घास के बीज डाले जाएंगे जिससे वर्षा होने पर जल संरक्षण में मदद मिलेगी और गांव की वीरान बंजर भूमि हरियाली से लहलहाने लगेगी। इस काम से गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है और इससे गांव का जलस्तर ऊपर उठेगा। गांव का जलस्तर बेहतर होगा तो गांव की तकदीर भी बदलने लगेगी। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।